छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने केंद्रीय मंत्री से अंबिकापुर से बनारस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का दर्जा देने का अनुरोध किया है। सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी है और यह भी कहा है कि इससे व्यापार और उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा, छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्य को भी इसका लाभ मिलेगा। ये तमाम बातें इस मुलाकात के दौरान सामने रखी गई। तो मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर रायपुर के सिद्धार्थ अपहरण मामले को लेकर पुलिस की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस ने बताया कि 1 करोड़ की फिरौती के लिए सिद्धार्थ का अपहरण किया गया। अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि उसके घर में कभी किराए पर रहने वाला अंकित है। उसने पूरी साजिश रची। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पिछले दिनों डीडी नगर इलाके के सुंदर नगर डगनिया से सिद्धार्थ का अपहरण हुआ। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे। सभी आरोपी यूपी और मध्य प्रदेश के निवासी हैं। लोगों ने 2 लोगों को तो इसमें अरेस्ट कर लिया है और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी वो भी रिकवर कर लिया है। और अभी दोनों जो किडनैप हुआ था वो और जो आरोपी उनके थोड़े बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जो बचे हुए आरोपी हैं वो जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उसे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन चूंकि किडनैपिंग की घटना हुई थी और ये दोनों लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने इनको अरेस्ट करके अभी पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है आगे की पूछताछ करने के लिए। और बाकी आरोपियों के लिए हमारी टीम अभी भी यूपी और ग्वालियर में कैंप की हुई है। कितने आरोपी हैं सर? 3 आरोपी और हैं इसमें। अभी टोटल घटना में 5 लोग थे जिसमें से 3 जो है किडनैपिंग में शामिल थे, 1 लड़का ड्राइविंग कर रहा था और अंकित मिश्रा प्लानिंग में शामिल। वजह तो फिरौती ही थी, फिरौती मांगना ही था क्योंकि अंकित जो है उसके फादर को अच्छे से जानता है। हाल ही में उसके फादर ने जो है एक हॉस्टल भी बनवाया है और उसके घर भी पिछले 5 साल से उसका आना जाना था, तो उसको उम्मीद थी कि इसको किडनैप करेंगे तो कुछ पैसा हम लोगों को मिल जाए। और उधर राजधानी रायपुर में एक महिला की 8वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना सामने आया। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला पंडरी थाना क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत की 8वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में काम कर रही थी और मृतका भोली बघेल घर में साफ सफाई का काम कर रही थी, जबकि एक दूसरी महिला भूमि वर्मा उसी घर में खाना बनाती थी। भूमि का कहना है कि वो दरवाजा बंद कर साफ सफाई कर रही थी और जहां से महिला के गिरने की बात कही जा रही है वहां 4 फीट की दीवार है। मृतका के पति का कहना है कि उसकी पत्नी की हत्या कर शव को फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और उधर भिलाई नगर निगम में समस्याओं को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। नगर निगम मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर विरोध दर्ज करवाया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम के गेट को तोड़ दिया। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। पूरे विश्व में अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले पीएम नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, जबकि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को 3 बार संबोधित किया है। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान अमेरिका में उनके प्रति सम्मान और समर्थन को दर्शाता है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।